मंत्र पर चलते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सातवें सूक्त का जो सातवां मंत्र है, आइए देखते हैं वह क्या कहता है। तुंजे तुंजे य उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वर्जिनः न विंधे अस्य सुष्टुतिम। चलिए मित्रों, अब हम इस मंत्र को एक एक करके समझते हैं। तुंजे तुंजे अर्थात प्रतिक्षण या बार बार लगातार, य उत्तरे जो आगे, स्तोमा अर्थात स्तुति या प्रशंसा करना, इंद्रस्य वर्जिनः वज्र धारण करने वाले इंद्र, न विंधे अर्थात न पा सके या न ढूंढ सके, अस्य सुष्टुतिम अर्थात इनकी स्तुति या प्रशंसा। मित्रों ये मंत्र महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि हर बार जब हम इंद्र की स्तुति करते हैं, विशेषकर उनके वज्र धारण करने के गुण को स्तुति में उल्लेखित करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि उनकी सर्वोत्तम प्रशंसा कर पाना असंभव है। मित्रों वज्र क्या है? वज्र है हमारी इंद्रियों की वह शक्ति जिससे हम अपने शत्रु अर्थात अपनी नकारात्मक शक्ति, अपनी नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर सकते हैं, उसका हनन कर सकते हैं। हम इंद्र देवता के वज्र की शक्ति की सर्वोत्तम प्रशंसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस वज्र की शक्ति हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा है। वज्र का अर्थ क्या है? मित्रों वज्र का अर्थ है वह आकाशीय बिजली जिसे वृत्तासुर मारा गया था। ये हमारे कथा हमारे पुराणों में है। मित्रों इसको हम ठीक से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आकाश यानी कि हमारी अंतरात्मा है ना, आकाश की बिजली अर्थात हमारी अंतरात्मा की चमक, हमारी अंतरात्मा का जागना, हमारी अंतरात्मा की प्रज्ञा। जब हमारी अंतरात्मा जागती है उससे किसका नाश होता है? हमारी नकारात्मक वृत्तियों का, यानी कि वृत्तासुर है ना। आपने वृत्तासुर की कथा पढ़ी होगी या सुनी होगी पुराणों में। वृत्तासुर कौन है? वृत्तासुर अर्थात हमारी आसुरी वृत्तियां, हमारी आसुरी वृत्तियां जिसका वज्र से नाश हुआ था, यानी कि इंद्रियों की शक्ति से। इंद्रियों की शक्ति अर्थात हमारी सकारात्मक, हमारी संयमित इंद्रियों की शक्ति से हमारी नकारात्मक ऊर्जा अर्थात हमारी आसुरी वृत्तियों का नाश होना। ठीक है मित्रों, इसको याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकते हैं यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए अब हम